चलिए नाउ इन योर बुक ओपन द टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. सो दिस क्वेश्चन माइट कम इन 3 marks और 5 marks. एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके बट द टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके एंड माइंड जहां पर भी कोई फिगर होगा लाइक आई हैव ड्रॉन दिस फिगर है ना, तो जहां पर भी कोई फिगर होगा क्वेश्चन में, अगर कोई फिगर वाला आपको पूछता है तो यू हैव टू स्ट्रेट फॉरवर्ड मेक अ फिगर देयर. फिगर बनाएंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे, समझ गए ना. एंड इट इज वेरी इजी टू मेक द फिगर एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू मेमोराइज द फिगर. सो द टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो वी नो दैट देयर आर 3 levels ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. फर्स्ट इज द टॉप लेवल, नेक्स्ट इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज द लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट. सो बेसिकली दीज आर द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके सो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स CEO, Chief Executive Officer, COO, what is the full form? Chief Operating Officer, very good. CFO, Chief Financial Officer, very good. Then, Chairman, General Manager, MD, full form of MD is? Managing Director, very good. And? Director. President. Board of Directors. So they are at the top level. It means that these top level managers have the maximum authority and maximum responsibility. Top level के जो manager होंगे ये सारे के सारे इनके पास में सबसे ज्यादा authority या सबसे ज्यादा power होगी, ठीक है ना. Okay. And the growth and survival of any business organization, it depends on the top level management. कोई कंपनी, कोई बिजनेस एंटरप्राइज कितना आगे बढ़ेगी, कितना ग्रो करेगी, कितना कॉम्पीट कर पाएगी मार्केट में, ये डिपेंड करता है ऑन द टॉप लेवल मैनेजर्स. ओके लाइक वी कैन से द सीईओ ऑफ गूगल इज सुंदर पिचाई. ओके and the others, है ना? तो their job is quite stressful and it needs time also. It is a very complex job. The top level management job is very much complex. It is quite stressful also, which requires complete dedication. ठीक है? यानी कि top level के जो manager हैं, उनका काम जो है बहुत ही complex है, stressful भी होता है, ठीक है ना? और इस काम को करने के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको अपना पूरा डेडिकेशन यानी कि पूरा अपना समर्पण इंटरप्राइज को देना पड़ता है, ठीक है ना. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब इनके काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज टू डिसाइड और डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. To determine the long-term objectives that what the company will do in the coming 3 years or 5 years or 10 years. For example, expansion of business. कितना आपने business को expand करना है? Okay. What kind of products and services we will offer to our customer in the near future? आगे आने वाले भविष्य में या समय में हम अपने कस्टमर को कौन कौन से प्रोडक्ट और देंगे, कौन कौन सी सर्विस को और देंगे, है ना. मैन पावर प्लानिंग इन आवर एंटरप्राइज, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज वी नीड एंड हाउ मच नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वी नीड. सो दीज आर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. अब इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए द टॉप लेवल मैनेजमेंट इट मेक्स द प्लान्स. It develops the strategy, it develops the policies for the overall organization so that
the national objectives could be achieved. So that the long-term objectives could be achieved. I have also told you earlier that in a well-established business enterprise, there are different departments. Okay, so the top level management, it divides the whole enterprise into different departments, like marketing department, purchase department, production department, finance department. है ना, यानी कि जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और सेक्शंस में बांटने का काम करता है, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम द टॉप लेवल मैनेजमेंट आल्सो रिक्रूट्स एंड सिलेक्ट्स द मैनेजर्स एंड अदर की पीपल फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. देन द टॉप मैनेजमेंट आल्सो performs the work of controlling, control करने का भी काम करता है. Controlling करने का मतलब क्या है? To periodically review the performance of the subordinates or middle level managers. So these are some important function of the top level management. If there are smart managers, if there are the hard working managers at the top level, then surely any business enterprise will grow, compete, survive, and will be able to remain at the top positions in the market in their respective areas. ठीक है? Designation. Designation. Keyword is your designation. So top level management includes the designations like all these. Like my designation is teacher as in the commerce faculty. So this is my designation. Okay. So likewise, these are the designations in the top level management. Now, second level of management is middle level management. Okay. So middle level management में कौन लोग आएंगे? So middle level management will include the managers of the different departments, like marketing manager, purchase manager, production manager, finance manager, R&D manager and human resource manager. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि different department को जो head करेंगे वही middle level management में शामिल होंगे. Like for the production department, there will be the production manager. For the marketing department, there will be the marketing manager. For the human resource department, there will be the HR or human resource manager. And for the finance department, there will be the finance manager. There will be the finance manager. Okay. And it is clearly visible that the middle level management is acting as a link between the lower level management and the top level management. So their function is also very much important. How? कैसे? What this middle level manager do? They communicate the plans and policies to the lower level management, and at the same time they also communicate the problems, grievances and suggestions of the lower level management to the top level management. अब इनका function क्या है? That they make the short term objectives for their departments in accordance with the long term objectives. They also assign the authority and responsibility to the lower level management. And also the middle level managers, they tries to motivate, guide and supervise the lower level management. So this is the middle level management. Okay, last is the operational level management, which we are also calling as lower level management. So operational level management, it is acting as a link between the middle level management and the employees and workers. They communicate the plans made by the middle level management
to the employees and workers, and also they communicate the problems, grievances and suggestions of the workers and employees to the middle level management. Okay, and there are also some more functions of the operational or lower level management. क्या function है वो? That they maintain the quality, they maintain the quality of products and services, products including goods and services. Product की quality को maintain करना इनका काम है, ठीक है ना? They also perform the function of safety of workers. Worker को सेफ्टी प्रोवाइड हो जहां पर वो काम कर रहे हैं. साथ में टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू इंप्लॉइज एंड द वर्कर्स, वर्कर्स और इंप्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इट इज द फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट. बिकॉज वी नो दैट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना? तो इसीलिए इंप्लॉइज और वर्कर्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज द फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट. ओके, ऑल्सो दे हैव द फंक्शन ऑफ रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स. दे ऑल्सो मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स एंड इंप्लॉइज. And they have one more important function, that is optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. यानी कि जो भी संसाधन बिजनेस एंटरप्राइज के पास में है उन रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूज करना, so that the wastage can be minimized. ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो या बिल्कुल ना हो. ओके, एंड द people who are in the lower level management, they are the foreman, they are the supervisor, they are the inspector, okay, and they are the superintendent, and these are the key people in the lower level management. Okay, so this was all about the levels of management. Okay, so basically there are three levels of management: top level, middle level and operational level. Okay, and this question is very much important and it is very easy to memorize this. This question could come in 3 marks or 5 marks. Okay, so what you have to remember, you have to remember the main functions of these three level of management and you have to memorize the designations, ki who will be the people in the different levels of management. Okay, so you all will read this at your home today. Tomorrow I will ask you questions from this topic. Okay.